पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं, जहाँ आए हैं वहाँ हमारा कौन है और क्या है, हमें दुख क्यों है और ये दुख से छुटकारा कैसे होगा, ये जीवन का खास प्रश्न है। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न आदमी इसके विषय में सोच भी नहीं पाता है। जन्म हुआ, अचेत रहा, बढ़ा, पढ़ा लिखा या नहीं भी पढ़ा, काम धंधा किया, विवाह किया, बाल बच्चे पैदा हुए, किसी के नहीं भी होते हैं, बच्चों में रीझा और खीझा और रोते रोते मर गया। झोपड़ी वाले ही नहीं, महल वाले भी सब रो रहे हैं, पूरा संसार रो रहा है। असंतोष, खिन्नता, अवसाद, पीड़ा, प्रतिक्रिया, मन के नरक में सारा संसार जी रहा है। धन्य है वो उंगली पर गिने जाने योग्य जो मन के नरक से ऊपर हो गए। मन के नरक में नहीं, सब मन के नरक में जल रहे हैं और समझते हैं हम उन्नत कर रहे हैं। दुनिया की उन्नत की भी आवश्यकता है। जीवन गुजर दुनिया की वस्तुओं से होता है, इसलिए आदमी जहाँ रहे तहाँ श्रमशील रहे, कर्मठ रहे, कर्म करे, स्वजनों परिजनों के प्रति सद्भाव रखे। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा स्वजनों के प्रति होती हैं, उनकी सेवा करे, परिजनों के लिए भी जहाँ बन सके, कोई तकलीफ में है और कुछ कर सके तो करे, सेवा भाव रखे, परिश्रमी रहे। लेकिन अपने जीवन के विषय में समझे, अपने आप को समझे, हम क्यों कमाते हैं, खाने के लिए क्यों खाते हैं, जीने के लिए क्यों जीते हैं, इसका पता नहीं। जी जा रहे हैं, घसीट घसीट करके जी रहे हैं, रो रो के जी रहे हैं, शिकायत कर कर के जी रहे हैं, रोते रोते जन्मना, शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मर जाना, यही संसार की मानो नियति है। नियति नहीं है, ये हमारे अविवेक का फल है। रोते रोते जन्मना तो मनुष्य की प्रकृति की स्थिति है। जानवर रोते रोते नहीं जन्मता है, आदमी रोते रोते जन्मता है। ये नहीं बदलेगा, लेकिन शिकायत और पश्चाताप ये जीवन से समाप्त हो जाए। हम जन्मते हैं रोते रोते, उसमें परिवर्तन करने कोई गुंजाइश नहीं, प्रकृति की देन है वो। लेकिन जो बड़े होकर के हम शिकायत में लग जाते हैं, ये दुख है, और फिर पछतावा में। जीवन में शिकायत करते हैं और अंत में पछताते हैं। आसपास के लोगों के लिए हमारी शिकायत रहती है, लोग गलत हैं, हम गलत नहीं, लेकिन अपनी गलती देखी जाए तो अपने में भी गलतियां मिलेंगी। और जिसकी अपनी गलतियां समाप्त हो गई हैं उसको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में कृतार्थ है। वो किसी को देखेगा जब त्रुटि, और संभव है तो समझा देगा प्रेम से, दोस्त देखने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपने को संभालेगा। मैं कौन हूँ और मेरे इर्द गिर्द ये सब जो हैं ये मेरे कौन हैं,
और दुनिया में मेरा क्या है, क्या इस पर 10 मिनट भी आदमी सोचता है? अंधाधुंध में जिंदगी बीतती, कमाने खाने, खुराफात करने, लड़ाई झगड़ा करने, कलह करने, वैमनस्य करने, इन्हीं सब में जीवन बीतता चला जाता है। भोगों की लालसा जितनी होगी खुराफात उतनी होगी, भोगों की लालसा जितनी घटेगी खुराफात घटेगी, भोगों की लालसा जिनकी शून्य हो जाती है उनकी जीवन से खुराफात शून्य हो जाती है, वह स्वर्ग में जीते हैं। पौराणिकों का स्वर्ग तो मलिन है, चाहे किसी भी पौराणिक का स्वर्ग हो, उसमें क्या है, वहाँ यहाँ के भोगों से उत्कर्ष भोग है, सुंदर शरीर और सुंदरियाँ वहाँ मिलती हैं, लाखों बरस सुख भोग भोग हैं। और ऐसे भी मत हैं जिसमें माना गया है कि जब स्वर्ग में गया तो सदा ही स्वर्ग में रहेगा, वहाँ इच्छित भोग भोगेगा। धर्मशास्त्रों में ये भी लिखा है कि स्वर्ग में आदमी निरंतर भोग में लगा रहा है तो भी उसको बीमारी नहीं होगी, वहाँ पर बीमारी होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ बीमारी हो जाती है तो उसका प्रबंध वहाँ करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा लगेगा। ये सब स्वप्न है, स्वप्न क्या है, पूरा झूठ है, कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं। आध्यात्मिकों का स्वर्ग अंतर्मुखता है, स्व गा स्वर्ग, स्व अपने में, गा गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है, अंतर्मुख हो जाना स्वर्ग है। ये जीवन बहुत कीमती है। औरंगजेब मरते समय अपने पुत्र को पत्र लिखा था, जिंदगी बहुत कीमती थी लेकिन बेकार गई। 90 वर्ष की उम्र में वो घोड़ा पर बैठा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तलवार लिए स्वयं चलता था, कैंपों में रहता था, राजधानी में रह करके आराम करना चाहिए, खुदा की इबादत करना चाहिए, लेकिन उस समय भी उसको तृष्णा थी। और मरने लगा तो पश्चाताप किया। ये लड़ने के लिए जिंदगी नहीं है, मनुष्यों से लड़ने के लिए नहीं है, अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए है। नमारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारे को घर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, पारा का भस्म बनाया, अक्सीर दवा बना ली तो क्या बनाया, अपनी बुराइयों को मार करके जिसने अक्सीर दवा बनाई वो असली है। बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारे को घर मारा, अपनी बुरी इच्छाओं को जिसने मारा, बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े घातक को मार दिया, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, घड़ियाल मारा, सांप मारा, सिंह मारा तो क्या मारा। अपने से लड़ने के लिए जीवन है, अपनी बुराइयों से लड़े, दूसरे से लड़ने के लिए जीवन नहीं है। लड़ लड़ करके हमने नरक कर दिया है, घर में लड़ाई, समाज में लड़ाई, पार्टी में लड़ाई, देश में लड़ाई, राजनीतिक दशा इतनी खराब आजकल हो गई है। अभी भी राजनेता ऐसे हैं जो दिव्य हैं, अपने स्तर में राजनेता भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, थोड़े और हर पार्टी में अच्छे हैं, लेकिन गंदे इतने भर गए हैं, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल देश में आग लगाने वाला। भोग की भावना बहुत बढ़ गई है, इसलिए सब चीज़ें विकृत हो गई हैं।
अपने को पहले समझो, मैं कौन हूँ। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं, कबीरपंथी वैष्णव की बात नहीं। आप हैं, आपकी सत्ता है, आप कौन हैं, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं। बोलने वाला जड़ नहीं होता है, चेतन होता है। दुनिया में दो सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन। चेतन उसे कहते हैं जो खुद को जाने और दूसरे को जाने। जड़ उसे कहते हैं जो न खुद को जाने तो दूसरे को जाने। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। ये दीवार, ये खम्भे, शामियाना, दरियाँ, ये खुद को नहीं जानती हैं और दूसरे को भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप खुद को भी जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। जो खुद को जाने और दूसरे को भी जाने वो चेतन है, और जो न खुद को जाने न दूसरे को जाने वो जड़ है। आप चेतन है, ज्ञान स्वरूप। दोनों वस्तुएं नित्य हैं, जड़ भी नित्य है और चेतन भी नित्य है। ये शून्य से नहीं बना है, शून्य से कोई वस्तु नहीं बनती है। दोनों सत्ताएं मूल हैं, जड़ और चेतन दोनों मूल हैं। मूले मूलाभावाद मूलम मूलम, कपिल जी महाराज ने कहा है, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है, जड़ बिना जड़ की होती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इसका मूल और कुछ नहीं। ये दोनों नित्य हैं, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। आप इतना अनुभव करते हैं, आज हैं, कल भी थे, परसों भी थे, 10 वर्ष पूर्व भी थे। कोई 70 वर्ष का आदमी है तो 60-65 वर्ष पुरानी बातें भी याद करता है। वैज्ञानिक जैसे मानते हैं कि शरीर के सब कण निरंतर बदलते हैं, और 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। अगर आत्मा शरीर होता तो 7 वर्ष में वो बदल गया होता, लेकिन 100 वर्ष का आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो ज्ञान का धारक है, अस्मृतियों का धारक है, धारण करने वाला है। अस्मृतियों के पुंज आप नहीं हैं, ख्यालातों के आप पुंज नहीं हैं। सारे ख्यालात, सारे स्मरण आपके सामने आते हैं और लुप्त होते हैं, आप उनको देखते हैं और जानते हैं। इसलिए स्वयं को समझना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ और नित्य पदार्थ हूँ। मेरा अस्तित्व आज है और पहले भी था, अब आगे भी रहेगा। जड़ का भी अस्तित्व आज है और आगे भी रहेगा। जड़ विकारी है, उसमें परिवर्तन होता है, आत्मा निर्विकारी, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मिट्टी का घट बन गया, घट टूट करके मिट्टी में मिल गया। पानी से बुलबुले बने, बुलबुले फिर पानी रूप हो गए। आत्मा ऐसा कुछ नहीं, वो निर्विकार है, वो कुछ हो करके होता नहीं है। ये प्रचार है कि जीव ईश्वर का अंश है, ये एक विशिष्टाद्वैत मत का मत है। अयोध्या में विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैतवादी कई संप्रदाय हैं वैष्णव में। जो विशिष्टाद्वैतवादी हैं वो ये मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, द्वैतवादी नहीं मानते। उसी अयोध्या में रहने वाले वैष्णव जो द्वैतवादी होंगे वो जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानेंगे। तो ये एक मत है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये सिद्धांत एक मत है, न कि सार्वभौमिक सत्य है। युक्ति और प्रमाण से कोई बात सिद्ध होती है, युक्ति है तर्क और प्रमाण है इतिहास, पुरानी बातें, जो बातें कही गई हैं या घटी हैं। तो युक्ति से तो जो अंश होता अविनाशी नहीं होता, अविनाशी होता अंश नहीं होता है। एक चद्दर है 10 हाथ की,
एक फिट काट दी गई तो पूरी चद्दर अंशी है और एक फिट अंश है, लेकिन और चद्दर कटेगी और एक फिट वाला भी कटेगा, जो कटने वाला और कटेगा। अगर ईश्वर से कट कट के जीव निकला है तो ईश्वर भी नाशवान है, जीव भी नाशवान है। ईश्वर से कट कट के जीव नहीं निकला है। दुनिया में एक प्रमाण नहीं है जो अविनाशी और अंश दोनों हों। जो अंश होगा अविनाशी नहीं, जो अविनाशी होगा अंश नहीं। इसलिए जीव ईश्वर का अंश है ये युक्ति विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है। प्रमाण हर प्रकार के मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये प्रमाण मिल गया कि जीव ईश्वर का अंश है। लेकिन श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है न जायते मृत्ये वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते मृत्ये वा विपश्चित, विपश्चित कहते हैं पंडित को, विद्वान को। लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। न जायते मृत्ये वा विपश्चित, ये ज्ञानवान आत्मा न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। कुतश्चित कश्चित न बभू, इन तीन बातों पर ध्यान दो। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है। किसी ईश्वर से जीव पैदा नहीं होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई पैदा नहीं होता है। किंतु अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणों न नित्य हन्यमाने शरीरे, ये अजन्मा है, जन्मता नहीं है। पुराण है, सनातन है, अविनाशी है, शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होता है। ये प्रमाण है, युक्ति प्रबल है। प्रमाण तो सब प्रकार मिल जाते हैं। आत्मा नित्य है। अब आपकी नित्यता का अनुभव आप स्वयं रात दिन करते हैं। इस जीवन में तो आपको कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जब से होश में आए हैं आप वही हैं। शरीर का चेहरा बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन अंदर का ज्ञाता वही रहता है। अवस्था के अनुसार ज्ञान में कम ज़्यादा हो जाता है। बचपन में कम ज्ञान, जवानी में बढ़ जाता है, बुढ़ापा में परिपक्व हो जाता है। बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो विस्मरण होने लगता है। ये यंत्र का कारण है। चश्मा लगाने से देखने की शक्ति में अंतर आता है। तैसे शरीर चश्मा है, उपाधि है। लेकिन मूल आप ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन आत्मा है, अकेला है, सदा अकेला है, असंग। जीव का संगी साथी कोई नहीं है। यहाँ जन्म हुआ तो माँ का परिचय होता है, फिर बाप का परिचय, फिर और परिचय बढ़ता है। नए नए परिचय होते हैं और नए नए संबंध, फिर एक एक संबंध टूटता जाता है, एक एक परिचय विलुप्त होता जाता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है सारा परिचय, सारी स्मृतियाँ विस्मृत के गर्त में चली जाती हैं और सब यहीं कहीं रह जाता है। ये सब नजरों नज़र बात है, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है। हम आप सब अकेले अकेले हैं, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं। मौलिक संबंध जीव का किसी से नहीं, वो असंग है, अकेला है। हमारा कौन है? आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये व्यवहार है। ना हम आपके हैं ना आप हमारे हैं, ये परमार्थ है। व्यवहार क्षणिक है, परमार्थ अनंत है। क्षणिक व्यवहार का भी महत्व है। लेना देना, बर्ताव करना, समता से रहना, प्रेम से रहना, इसकी बड़ी ज़रूरत है। यद्यपि सब क्षणिक है लेकिन इसकी आवश्यकता है। किंतु परमार्थ को हमें समझने की ज़रूरत है। शुद्ध प्रेम हो, मोह न हो। बाल बच्चों से शुद्ध प्रेम रखो, शुद्ध व्यवहार करो, कब्जा करने की चेष्टा न करो, पीछे रह करके सेवा करो।
स्वामित्व की इच्छा महापाप है, मैं मालिक बनूं ये महापाप है, इसी भावना ही महापाप है। मालिक बनने की चेष्टा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने को शून्य कर देना है, सेवा करो, गुलाम बन के सेवा करो, परिवार समाज की गुलाम बन के सेवा करो, मालिक बन के नहीं। मालिक बनोगे ताप सहोगे, जलोगे, महाजलन है मालिक होने में। गुलाम बन करके, सेवक बन करके सेवा करो, शीतल रहोगे। मालिक बनोगे लड़के पर गर्माओगे, पत्नी पर गर्माओगे और लोगों पर गर्माओगे। सेवक बनोगे तो सेवक को गर्माने की गुंजाइश नहीं है, प्रेम से विनम्रता से सेवा करना है। उसमें जो जितना समझ पाएंगे समझें, सबका सह लेना है और किसी को सहाना नहीं है, सबका सह लेना है, छोटे बड़े मध्यस्थ सबका सह लेना है और किसी को सहाना नहीं, किसी को कट नहीं कहना है, किसी का दोष नहीं देखना है, किसी को दोषारोपित नहीं करना है, अपने दोष को देखना है, अपनी छानबीन निरंतर करना है, अपने को शोधना है। ऐसा कोई जी करके देखे परिवार में समाज में कहीं भी महासुखी होगा। ऐसा लोग नहीं जीते हैं। मालिक बनने की इच्छा है, जबरदस्ती करने की इच्छा है, कब्जा करने की इच्छा है, बस सारी जलन इसी में है। मालिक मत बनो, सेवक बनो। कब्जा करने की चेष्टा ना करो। सब जीव बराबर है, छोटा बच्चा भी मेरे ही समान है, उसको उसका महत्व समझो, व्यवहार प्रेम से करो और ममता कहीं ना करो। जिसमें हम ममता करेंगे वो हमारे साथ रहने वाला नहीं। इस संसार में हमारा कोई नहीं और कुछ नहीं। व्यवहार में कुछ है और कोई है। आदमी को एक भूखंड खरीदना पड़ता है, अपने नाम से रजिस्ट्री कराना पड़ता है। यद्यपि जिस जमीन की रजिस्ट्री मैंने अपने नाम कराई है, करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम पर वो रजिस्ट्री हो चुकी है और करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम पर आगे भी रजिस्ट्री होती रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ये वसुधा काहू की न भई, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये कबीर साहब की पंक्ति है बीजक की। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। सदा सुख संयम से, अपने पर संयम करने से होता परहेजगारी। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने ऊपर संयम करने से, परहेज करने से सदा सुख रहेगा, स्थिर सुख रहेगा। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो शुरू से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण करने वाले को। पृथ्वी धन धारण करती है, सारे रत्न इसी से निकलते हैं, फसल इसी से निकलती है, फल फूल सब कुछ तो इसी से निकलती है। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, इसलिए धरती को वसुधा कहते हैं। वेद में लिखा है कि पृथ्वी माता के अंदर भोजन का थाल रखा हुआ है, निकाल के खाओ। बड़े मीठे वचनों में कहा गया, थोड़ी मेहनत करो, खूब उसमें भरा हुआ है व्यंजन अन्न। तो ये धरती वसुधा कहलाती है, धन को धारण करने वाली। साहब कहते वसुधा आदि कुमारी, शुरू से कुंवारी है, इसको आज तक कोई ब्याह नहीं पाया। महान सिकंदर नहीं ब्याह पाया, चंगेज खां, औरंगजेब, अकबर बादशाह, पृथ्वीराज, श्री राम, श्री कृष्ण, यदुवंश, कुरुवंश, रघुवंश, कोई इसको ब्याह नहीं पाया। नाम कितने लिए जाए, सब आए और गए। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करूं माड़ी का श्रृंगार,
आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा सदा से कुमारी है। वसुधा पर कब्जा करने की जिसकी चेष्टा होती है वो पागल है, लेकिन दूसरा पक्ष है, कुछ कब्जा की जरूरत है। खरीद लिया, अपने नाम से करा लिया, आप कब्जा करके बैठो, कोई नहीं बोलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर भी कब्जा न रखो, व्यवहारिक दृष्टि से कब्जा रखो। आध्यात्मिक दृष्टि से समझो कि ये मेरा नहीं, घर मैंने बनवाया लेकिन घर मेरा नहीं, ये अंदर से मजबूत रखें। इसी घर से लाश निकलनी है, पक्की बात है। जिस घर को हमने बनवाया है उसी घर में से लाश निकलनी है मेरी। अलग शरीर छुट गया वो लाक्षणिक कथन है, कहीं भी छुटे लाश तो निकलनी है। इसको हम भूल कैसे जाते हैं? निरंतर मौत निकट आ रही है, आखिरत को देखने की चेष्टा ही लोगों में नहीं। एक कवि ने कहा है, बका पर किसी को ध्यान ही नहीं। बका शेष अंत में क्या रहेगा। यतपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरुस्ति स्थिरम नस देदम जगत इत्येव धारे। यतपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए क्या बंदोबस्त किए? कोई बंदोबस्त काम करेगा? ये सारा बंदोबस्त शरीर तक है, आगे के लिए क्या कर रहे हैं? जो आज के लिए किया जाएगा वही आगे के लिए रहेगा। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। आज ठीक है तो आगे ठीक रहेगा, ये नहीं कि मकान दुकान सब ठीक है तो वही। जीवन ठीक है, मन ठीक है, इंद्रियों का बर्ताव ठीक है, मन निर्मल है तो आगे भी सुख शांति है। हमें अपने आत्मा को समझने की जरूरत है। आपका अस्तित्व आपके साथ है और कोई साथ नहीं। एक दिन दीन दशा आएगी, असहाय अवस्था, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, उठ बैठ नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है कि आनी है, और अकेला होना है। बीमारी में आदमी को अकेलापन महसूस होता है। हमें शरीर में पीड़ा है, कोई हमसे लिपट के प्रेम करना चाहे, हम कहेंगे भैया बस कुछ नहीं अच्छा लगेगा। अब अल्पता, संक्षेप में बिस्तर पर पड़े रहेंगे, वहाँ दवाई कुष्ठिकिया होगी, पानी होगा, कुछ कपड़े होंगे, कुछ और चीज़ें उपयोग की होगी, कभी कभी कोई बैठ जाएगा बस। और घर मकान धन दौलत फैला रहा है, जिनके दसों फैक्ट्रियां हैं भारत और विदेश में, बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है, सब पड़ा रहा है, जहाँ तहाँ सब रह जाएगा। ये छोटे बड़े सब की ही दशा है। एक बादशाह था दिल्ली में, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, लंबा चेहरा था, दाढ़ी थी, ताज लगाता था, ताज चेहरा और दाढ़ी मिलकर के 3 फिट हो जाते थे, बहुत रोबीला। जब वो बैठता था तो दोनों तरफ नंगी तलवार लिए जवान खड़े रहते थे, और उसके सामने कोई भी कुर्सी पर बैठ नहीं सकता था। सूबेदार आते थे, जैसे आजकल के मुख्यमंत्री, वे खड़े रहते थे, स्वयं वो किसी सूबेदार से बात नहीं करता था, वह अपने खास वजीर से बात करता था और वही सूबेदारों से बात करता था, उसी के सामने बात करता था, लेकिन वजीर सूबेदार से बात करने में उसको तोहीन ही लगती थी। जब वो अस्वस्थ हुआ तो वही उसका वजीर ड्यूढ़ी में डेरा डाले बैठा रहता था,
उसके बाल बच्चे, उसकी पत्नी उससे मिलना चाहें, तो कहे कि हकीम की आज्ञा है, आर्डर है कि कोई उनसे न मिले, वे तकलीफ में है। बादशाह अंदर तड़फड़ाता रहा बच्चों से मिलने के लिए, और बच्चे बाहर, वजीर बीच में बैठा रहा और तड़फड़ा के वो मर गया अंदर है अंदर। इतना रूबीला बादशाह, अंत में अनाथ, अल्प और दीन हो गया था। हम सब पर आना है, कोई बच नहीं सकता है। सकरात को तू भूल गया, मृत्यु के समय की तकलीफ को भूल गए। हम वास्तविकता से निरंतर अपने को वंचित रखते हैं, अपने को धोखा देने में रात दिन लगे रहते हैं, खिलौने में लगे रहते हैं। दुनिया की चमक दमक, दुनिया की वस्तुएं एक खिलौने हैं, ऐसी में हम भूल जाते हैं अपने को पहचानें, अपने को समझें, और ये समझें कि जहाँ तक विस्तार है, मिलना जुलना ये मेला है, एक दिखावा है, थोड़े दिन का है, ये कोई गूढ़ तत्व तो नहीं है, बहुत सरल है समझना। लेकिन दृष्टि इस पर जाए तब, दृष्टि तो है मोह पर, वैर पर, घृणा पर, कलह पर, तमाम विकारों पर, भोगों को लेकर के, धर्म के नाम पर बकवास। हमारा संप्रदाय, हमारा संप्रदाय, केवल हमारा संप्रदाय राह खुदा है और सब जुदा है, ये निरर्थक दम्भ है। संप्रदाय तो सब मनुष्य के बनाए हैं, संप्रदाय घरों दे हैं, खेत जमीन वही है, मेड़े बनाई गई है। सत्य एक है, मेड़े ये संप्रदाय बनाए गए, कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। एक एक संप्रदाय में, एक एक मजहब में शाखा प्रशाखा फिर के, और घोर अहंकार और घोर कलह, ये सब अज्ञान का पसारा है। तथ्य समान सामान्य है, हम हैं वही आप हैं, आवश्यकताएं सबको एक हैं, दुख सबका एक है, दवाई सबकी एक है। अपने को शोधना क्या कर्तव्य है, अपने को शोधना, आत्मज्ञान, आत्मशोधन, आत्मसंतोष, ये जीवन का क्रम है, असली जीवन का। आत्मबोध, खुद का बोध, खुद का ज्ञान, और आत्मशोध, अपने को शोधना। शोधने का अर्थ है जैसे कि चावल में कंकड़ है, कीड़े कचड़े, उनको निकाल देना, चावल को शोधना है। तेल शोध करके आता है तब वो काम देता है रिफाइन होकर। अपने आप को शोधो, आत्मशोध, जो अतिरिक्त चीज़ें निकाल दो, आत्मा के अलावा सब कुछ निकाल दो विचार से। जो मन में कलह है पाप है, मोह है पाप है, वैर है पाप है, ईर्ष्या क्रोध काम लोभ मोह पाप है, विजाति है अनात्म है, इनको निकाल दो, ये शोधना है, आत्मशोध है। और आत्मसंतोष, जीवन का परम फल है आत्मसंतोष। अपने में लौट आना, अपने में लौट आओ, परमात्मा का ध्यान कैसे आप करेंगे? परमात्मा आप मन से गढ़ेंगे, चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला, सांवला गोरा, मुकुटधारी धनुर्धारी चक्रधारी, मान लो ये सब नहीं करेंगे, ये कल्पना करेंगे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वो भी आपकी कल्पना है, ईश्वर किसी लोक में है ये भी आपकी कल्पना है, ये सब कल्पनाएं हैं, और अच्छी कल्पनाएं हैं, इससे मन थोड़ा अच्छा बनता है। जहाँ मन काम में लगा है, क्रोध में लगा है, द्वेष में लगा है, इससे हट करके किसी परमात्मा में लगा है तो अच्छा है। ये परमात्मा आपके मन का बनाया है, लेकिन अच्छा है, ये अच्छा खिलौना है, खराब खिलौना नहीं। लेकिन इससे भी ऊपर उठना होगा, जब कुछ नहीं सोचा जाता है, सारा सोच खत्म,
उसको कहते निर्विकल्प, उसको कहते असंप्रज्ञात, उसको कहते हैं सहज। साहब ने सहज कहा, सहज समाधि। योग दर्शन ने असंप्रज्ञात कहा है, अन्य ने निर्विकल्प कहा है, संकल्प शून्य, कल्पना शून्य। हम आपसे कहें कि ध्यान कीजिए, तो अपने अपने मन से गढ़े हुए परमात्मा का सब ध्यान करेंगे, और हम कहें कि आप सारा विचार छोड़ दीजिए, अब आपने सारा विचार छोड़ दिया तो कौन परमात्मा रहा? विचारों का परमात्मा रहा, सांवला गोरा, लंबा चौड़ा, व्यापक, किसी लोक में रहने वाला, ये सब आपके मन का नक्शा है। जब मन ही खत्म हो गया, विचार शांत हो गए, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, सन्नाटा, एकदम शांत। ये दशा असली दशा है, संकल्प शून्य अवस्था, निर्विकल्प अवस्था। गाढ़ी नींद में इसकी वानगी आपको मिलती है। गाढ़ी नींद में सब पूर्ण सुखी रहते हैं, कर्जी हो, असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, अपमानित हो, किसी प्रकार का क्लेश हो, लेकिन गाढ़ी नींद में पहुंच करके उसको कोई क्लेश नहीं रहता है। इसी प्रकार समाधि में पहुंच करके कोई क्लेश नहीं रहता है। गाढ़ी नींद के बाद उठने पर फिर क्लेश होता है, लेकिन समाधि के बाद क्लेश नहीं होता है। गाढ़ी नींद अवस्था जन्य है और समाधि विवेक जन्य है, साधना जन्य है। सुषुप्ति को अपने आप की प्राप्ति कहा गया है। सुषुप्ति में दो पद है, स्व अपीति सुषुप्ति, ये श्रुति में बात आती है। स्व अपीति सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान में रमता है उसको दुख नहीं है, तो समझता है प्रपंच है। प्रपंच नाम विस्तार, हानि हुई, लाभ हुआ, सम्मान हुआ, अपमान हुआ, कोई प्रशंसा किया, कोई निंदा किया, घट गया, बढ़ गया, कोई मर गया, कोई जन्म लिया, ये प्रपंच सारा दिन चलेगा। विवेकवान इसमें सुखी दुखी नहीं होता है, सम रहता है। उसका सुख आंतरिक है। विवेक नहीं है तो गाढ़ी नींद में तो सुख है, लेकिन नींद खुली तक दुख है। और जिसका विवेक जग गया तो जागृत में भी सुखी है और सुषुप्त में भी सुखी है, समाधि में सुखी है, सब समय सुखी है। सब समय सुख की स्थिति बनी रहे, इसके लिए समाधि की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, अपनी तरफ लौटने की आवश्यकता है। अपनी तरफ लौटो, अपने को पाओ। हम चाहे जितना पाएं खो जाएगा। जीवन में हम देखते हैं कि बचपन से जब से होश में आए हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें पाए हैं और सब खो गया। शरीर में जवानी आई और चली गई, जो है वो भी जा रहा है, कुछ रहने वाला नहीं। लेकिन मैं स्वयं मैं से अलग कैसे हो सकता हूँ? आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। जब साधक सोचना बंद कर देता है, सारे स्मरणों का त्याग कर देता है, सारे ख्यालात खत्म, तब अपने आप शेष रह जाता है, बका। संख्या में हम भाग करते हैं, जब तक संख्या रहती है भाग होता जाता है, और जब एक रह गया तो शेष, वही बका। आप बका पर ध्यान दें, बाकी क्या रहेगा? हमारा कुछ नहीं रहेगा, अपना आपा रहेगा। अपने आपा को संभालो, अपने को समझो, बड़ा सूक्ष्म विषय है यह। और जीवन तभी सार्थक होगा जब अपने को समझें, अपनी तरफ लौटें। हम भागते हैं दुनिया के भोगों के पीछे,
नाम के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे, सब पानी के बुलबुले की तरह बन करके मिटने वाले हैं। बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले थोड़े दिन में खो जाते हैं, कौन यहाँ रहता है। समुद्र में जैसे तरंगे उठती हैं तैसे जितना भी दिखाई देता है सब मिट्टी की तरंगे हैं, मिट्टी से बनी और फूट करके मिट्टी में मिली, कुछ स्थिर नहीं। अपने आत्मा को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपनी तरफ लौटें और ये ध्यान दें कि अंत में असहाय अवस्था होगी, अकेलापन होगा और अल्पता होगी। तीन बातों पर ध्यान दें। एक दिन आएगा जब मैं असहाय हो जाऊंगा, असमर्थ। कहते गामा पहलवान जो दो गाड़ियों को रोक लेता था वो अपना हाथ उठा नहीं पाता था अंतिम समय में, इतना असमर्थ हो गया था। ऐसा नहीं भी हो तो भी कमजोरी तो आती ही है। एक दिन असहाय अवस्था आएगी और अकेलापन लगेगा, अकेलेपन का बोध नहीं है तो बड़बड़ाएगा। बूढ़े प्रायः चिंतित रहते, हमारे पास कोई बैठता नहीं है। जितना बुढ़ापा हो उतना मन अमृत होना चाहिए, किसी की परवाह ही न हो कोई बैठे न बैठे। बुढ़ापा तो अमृत है लेकिन जब साधे तब। जवान सुंदर भले दिखता हो लेकिन अधकचरा है। बूढ़ा आदमी सुंदर भले नहीं दिखे लेकिन वो पका है, पका फल मीठा होता है। बूढ़ा वह है सही जो मीठा हो, पक गया हो। कामना का त्यागी मीठा होता है, जो इच्छाओं से भरा है वो पीड़ित होता है। इच्छाओं से भरा होना जैसा पाप कुछ नहीं। महत्वाकांक्षा के पीछे भागने वाला सदैव दुखी रहता है, इच्छाओं को त्यागने वाला सुखी रहता है। अपने को संभालें, उस दिन को देखें, असहाय, अल्पता और अकेलापन, ये सब के जिम्मे हैं। सबको आखिर में इस देहरी से ही इस दुनिया के दृश्य को समाप्त करना है। पहले से जो इसको देखता है वो पाप नहीं करता है। कैसे लोग हैं अस्त्र शस्त्र से दूसरे को मार देते हैं, काट देते हैं और सारा कर्म अपने ऊपर लौटता है। समझ लो जो कुछ हम करेंगे वो लौट करके अपने ऊपर आएगा। शरीर का मिट जाना जीवन का मिटना नहीं है। शारीरिक जीवन जरूर मिट जाएगा, आत्मिक जीवन नहीं मिटेगा। और जो किया धरा रहेगा उसका संस्कार आगे चलेगा, कर्मों का फल भोग पक्का है। अपने को संभालें। मैं कौन हूँ, जिनके बीच में मैं आया हूँ वहाँ कौन मेरा है और क्या वस्तु मेरी है, और हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, दुख क्यों है, दुख क्यों है। दुख सुख की परिभाषा लोग मोटी करते हैं। मकान अच्छा है, गाड़ियाँ हैं, बाल बच्चे हैं, रुपए पैसे हैं, नाम कीर्ति है तो सुख है, ये मान लेते हैं लोग। इन सब बातों से संपन्न लोग निरंतर दुखी हैं। दुनिया की वस्तुओं में मन लगाने से सुख तो कभी किसी को हो ही नहीं सकता है। कहानी के अनुसार रावण सोने के भवन में रहता था। सोने का मकान नहीं हो सकता है लेकिन संपन्नता थी। राजा दशरथ से जब विश्वामित्र आए हैं मांगने के लिए राम को कि मैं यज्ञ करता हूँ, तो राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न करते हैं, अगर मैं उनको मारूं तो अहिंसा व्रत टूटता है और यज्ञ हमारा व्यर्थ हो जाता है, इसलिए राम को दीजिए राक्षसों से रक्षा करें। तो दशरथ ने कहा उन 16 वर्ष, राम तो 16 वर्ष की उम्र से भी कम है, वे राक्षसों से क्या लड़ेंगे, मैं चलूँगा।
लेकिन अगर रावण है तो मेरी हिम्मत नहीं है, दशरथ ने कहा है। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस पृथ्वी तल पर रावण के समान न कोई बलवान था न विद्वान था। वेद विद्यावृत स्नात, ये वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए कहा गया है। वेद विद्यावृत स्नात, वेद विद्यावृत से स्नात था। स्नात का अर्थ है जिसने स्नान कर लिया हो। गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे पहले, तो जब विद्या पूरी हो जाती थी तो अंत में एक संवैधानिक स्नान उन्हें कराया जाता था और एक संस्कार देके उनको छोड़ दिया जाता था, घर जाओ। तो अंतिम स्नान जो कर लिया गुरुकुल में उसको कहते थे स्नातक, क्योंकि स्नान कर लिया है। वो शब्द आज भी प्रचलित है, उस अर्थ में नहीं, उत्तीर्ण अर्थ में है। वहाँ भी उत्तीर्ण ही है, लेकिन स्नान करने से वो शब्द बना है स्नातक। ऐसे कई शब्द ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा अर्थ ले लेता है, मूल में कुछ रहता फिर आगे और बढ़ जाता है। वेद विद्यावृत स्नात, वेद विद्यावृत में स्नात था रावण, बलवान विद्वान संपन्न, लेकिन क्या सुखी था? पराई स्त्री की सुंदरता सुन करके खलबला जाना, समुद्र पार करना उसके लिए, तपसी का वेश बनाना, एक अबला को धोखा देना, जबरदस्ती उठा लाना, ये सुखी होने के लक्षण है। मंत्री और अच्छे समझदार लोग सब समझाए, रावण ने कहा मैं टूट सकता हूँ झुक नहीं सकता हूँ। अब परिणाम क्या हुआ? टूटा, कौन रह जाता है? सारा बल निरर्थक है। बल का घमंड नहीं होना चाहिए, बल उसका है जो आत्मबली है। दूसरे को मारने वाला वीर नहीं है, अपने को मारने वाला वीर है, अपनी बुराइयों को। अपने पर विजय वीरता है, दूसरे पर विजय वीरता नहीं। अपने पर विजय करो। तो दुख दुख क्यों है? हमारे दोषों से है। मन में दुख है तो दोष है, मोह का दोष है। दुनिया की वस्तुओं में मन रखेंगे दुख होना पक्का है, क्योंकि दुनिया की वस्तुएं स्थिर नहीं है, परिवर्तन उनमें है, हरदम भय है, सब बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है, सब भय 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 से भरा। आत्मा में मन रखो जो अमर है, फिर निर्भय पद है। इसी को आप कह सकते, परमात्मा में मन रखो, खुदा में मन रखो, अल्लाह में मन रखो। शब्द है अल्लाह, खुदा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, राम, रहीम, ये शब्द है। इन सब का सार अर्थ है अंतरात्मा, जो सबके अंदर में विद्यमान है। स्वास्थ्य से अलग कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा कैसे मिलता है? आँख से जो मिलेगा वो रूप होगा, नाक से मिलेगा वो गंध होगा, कान से मिलेगा वो शब्द होगा, जीभ से मिलेगा वो रस होगा, चाम से मिलेगा स्पर्श होगा, मन से मिलेगा संकल्प विकल्प होगा। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, छठा मन है। इन्हीं छहों से हमें कुछ मिलता है। तो इन छहों से क्या मिलता है? विषय पदार्थ, दुनिया की चीज़ें, परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा आँखों से देखता है तो परमात्मा कैसे है? वो तो रूप है, बिगड़ने वाला है। इसलिए परमात्मा कहते लोग रहते हैं, समझते बहुत कम लोग हैं, बिरला कोई समझता है। ऋषियों ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस, मैं ब्रह्म हूँ तू ब्रह्म है। भावकों ने इसको पाप मान लिया, लेकिन तथ्य यही है, परमात्मा आपकी आत्मा से अलग नहीं। साहेब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो यह करीमा रामा, जो खुदाए महजीद बसत है और मुलुक के केरा।
तीर्थ मूर्त राम निवासी दुईमा किन्हों न हेरा। अगर खुदा मस्जिद में बसता है तो और दुनिया किसकी है, और मंदिर में राम रहता है तो और संसार किसका है। मंदिर मस्जिद में खुदा नहीं, दिल दिल में खुदा है। ये बात सब कहते हैं, कह देते हैं, प्रयोग नहीं करते, इसलिए दुख नहीं दूर होता है। दिल को दुखाने में लगे रहते हैं। दुख जो हमारा है, हमारे पाप का परिणाम है। हमारा अहंकार, हमारी वासना, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, इनसे हमें दुख है। और इन्हीं सब बातों के कारण हम दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं, बलात् करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। और जितना हम कब्जा करना चाहते हैं उतना उसके कब्जे में होते हैं। अगर कोई अपनी पत्नी पर कब्जा करना चाहेगा तो पत्नी के कब्जे में हो जाएगा। पति को पति पर कब्जा करना चाहेगी देवियाँ तो उसके कब्जे में हो जाएंगे। किसी भोग के को कब्जा करना चाहो तो उसी कब्जे में आप हो जाएंगे। भोग भोग करके भोगों पर कब्जा करना, भोग के कब्जे में आप हो गए। मोह करके कब्जा करना, उसके कब्जे में आप हो गए। जो किसी पर कब्जा नहीं करना चाहता है वो स्वतंत्र हो जाता है, उसका बंधन कटता है। निर्वाण, निष्काम, अहंकार शून्य, कामना शून्य अवस्था है परम तत्व की, परम स्थित की। आप कहेंगे अगर कामना शून्य हो जाए तो गुजर कैसे होगा। गुजर के लिए काम करने की ज़रूरत है। काम करने में कामना की ज़रूरत नहीं है। हल चलाओ, कारखाने में काम करो, दफ्तर में काम करो, खेत में काम करो, सड़क पर काम करो, जहाँ जो ड्यूटी है जिसकी वो काम करे। कामना करने की आवश्यकता है। काम करो, दाम मिलेगा, गुजर होगा। ये हमारी तृष्णा, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर। मन की भूख हता है, तृप्त न पाए सुमेर। शरीर की भूख थोड़ी है, मन की भूख अपार है। पर्वत बराबर मिल करके भी तृप्त होने वाली नहीं है। दुख हमारे अहंकार का फल है। जितना अहंकारी हम होंगे उतना पीड़ित होंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, भड़बड़ाते रहेंगे, हरदम खिन्न खिन्न खिन्न। हमारा अहंकार हमें रात दिन जलाता है। हमारी कामनाएं हमारे हृदय को जलाती हैं। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेज अनवाची हैं रामई भजे बिचारी। ये कबीर साहब की साखी है बीजक की। काला सर्प शरीर में काला सांप है सबके। उसके दो पहलू हैं, एक अहंकार एक कामना। ये दोनों मिल करके काला सांप है, सबके शरीर में है। खाइन सब जग झारी, सारे संसार के लोगों को झार झारा इसने खा लिया है। बिरले तेजन बाचे हैं राम ही बजे विचार। जो विचार करके राम भजन में लगता वो बचता है। राम भजन तो हिंदुओं का है, तो गैर हिंदू क्या करेंगे। शब्द है, कुछ कहना पड़ता है, शब्द असमर्थ है। साहेब वैष्णव के मजारिटी में रहे हैं, उस समय उनका प्रचार था, इसलिए साहेब ने राम हरि सारंग पाणी ये सब शब्दों को लिए हैं। लेकिन वह खुदा अल्लाह रहीम ये भी कहे, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। दिल माँ खोज दिले माँ खोजो ये करीमा रामा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने वो राया। अल्लाह राम करीमा केसो हरिजत नाम धराया। नाम तो कहने से फिर चक्कर पड़ जाता है, लेकिन नाम को तूल न दो। वही राम है जो हमारे में है, आप में। उसको रहीम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, कुछ कहो, सत्य कहो। सुरत ने तो कहा उसका नाम सत्य है। तो जो सबके अंदर विद्यमान है, मय के रूप में आत्मा ज्ञाता बुद्धा दृष्टा चेतन, उस अपने स्वरूप को पहचानो। उस पर आवरण है अहंकार और कामना का,
इसलिए पीड़ा है। अहंकार कामना के कारण हम जल रहे, दूसरे को सह नहीं पाते हैं, व्यवहार में जलते हैं, पत्नी से कुड़ते हैं, पति से देवियां कुड़ती हैं, पुत्र से कुड़ते हैं, भाई से कुड़ते हैं, माता पिता से कुड़ते हैं, पड़ोसी से जलते हैं, हर जगह जल रहे हैं, केवल जल रहे। ये अहंकार कामना कारण है। अपने अहंकार कामना को मिटाना है। हमें किसी ने दुख नहीं दिया है, भगवान की माया नचाती है, बड़ा हल्ला है। मालूम होता है भगवान सज्जन नहीं है, दुर्जन है। वो माया रखे है, वो सबको परेशान करता है। भगवान भी कहते हो, भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान की माया हमें नहीं नचाती, भगवान के पास माया रहती ही नहीं है। जिसके पास माया रहे वो भगवान नहीं, और भगवान के पास माया नहीं रहती है। भगवान वही जो मायातीत है। माया है मोह, माया है भ्रांत, माया है मन का विकार, ये अपना बनाया है। हमारे अंदर का जो मोह है किसी दूसरे भगवान ने बनाया है, हमने बनाया है। महाभ्रम की भगवान की माया सबको नचा रही है, हमारी बनाई माया हमें नचा रही है। अपने को शोधो, अपने को देखो। सच्चा साधक वह है जो निरंतर अपने को देखता है। आप परिवार में हैं, सबकी साल है, सबकी साल है, लड़के का, पत्नी का, पति का, भाई का, पिता का, पुत्र का, सबका साल है, और शांत रहें, प्रतिक्रिया न करें, अच्छे मार्ग से चलें, स्वयं शीतल रहें, मीठे वचन बोलें, त्याग से रहें, संयम से रहें, परहेजगारी से रहें, सादा रहें, सरल रहें, और सब किस्सा लें। देखिएगा कितना आनंद आएगा, वे लोग भी बदलेंगे, उन लोगों के विचारों में भी अंतर आएगा। किसी के घर में एक छोटा बच्चा है, सरल हृदय का, सब अच्छा मानते हैं। अहंकारी भी आदमी विनम्र को देख करके बहुत प्रभावित होता है। सुख का रास्ता है अपने जीवन को निर्मल करना। पूजा नमाज सब इसी के लिए है। दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ बार बैठ करके, खड़े हो करके, झुक करके, जैसे आपका विधान है, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम जपते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। इसका मतलब क्या है? मन निर्मल हो, और मन वैसे है तो पूजा और नमाज सब बेकार हुआ। पूजा और नमाज तभी सफल है जब मन निर्मल हो। साधु वेश धर लिए, अकड़बाज बने बैठे हैं, तो साधु वेश क्या करेगा? ये बाहर के वेश, कर्मकांड, पूजा पद्धतियाँ, प्रार्थनाएँ मन को कोमल बनाने के लिए है। साधु का वेश मर जाने का लक्षण है। जो मर जाता है उसको कोरा कपड़ा लपेट दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या पानी में फेंक दिया जाता है। पारसी लोग जमीन पर छोड़ देते हैं। ये अंत्येष्ट संस्कार होता है। साधु का कपड़ा मृत का चिन्ह है, और साधु का कपड़ा पहन करके अहंकार करना, तो कोई दुरुपयोग करेगा तो क्या करेगा कपड़ा? क्या करे नमाज जबान बाय बिगड़ी? जब जबान बिगड़ी तो नमाज क्या करेगी? सारी पूजा पद्धतियाँ चित्त को निर्मल करने के लिए है। चित्त हमारा निर्मल हो तो हमारा दुख दूर होगा। दुख हमने बनाया है, और इसी जीवन में दुख से सर्वथा हम रहित हो सकते हैं। ये आत्मविश्वास करो। कोई भी है, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, जो जहाँ है, जो लग जाएगा ठीक से, वही दुख से मुक्त हो जाएगा। अपने मन को मारो, सब की सौ थोड़े में गुजर करो, सब में संतोष रखो, जो मिल जाए बहुत है। सहलो, किसी को सहाओ मत, देखो थोड़े दिन में आनंद कंद। ये आध्यात्मिक काम लोग नहीं करते हैं। केवल एक पक्ष है जीवन का, कमाओ, खाओ, बाल बच्चे पैदा करो, उसके लिए कलह करो, राग द्वेष करो, लड़ाई झगड़ा करो, वैमनस्य करो, विकार भरो, जलते रहो, जलते जलते मर जाओ, यही सब हो रहा है चारों तरफ। ये सारी बातें न हिंदू की है न मुसलमान की,
न ब्राह्मण की है, न शूद्र की है, न गृहस्थ की है, न विरक्त की है, न स्त्री की है, न पुरुष की है, मानव मात्र की है। मानव मात्र इस तथ्य को समझे, स्त्री और पुरुष शरीर है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा समान है। मैं कौन हूँ, किसके बीच में हूँ, क्या मेरा है, क्यों दुख है, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, निर्मल हूँ। जिनके बीच में है एक व्यवहार है, कोई किसी का नहीं, और चीज़ें जो मिली वो भी एक व्यवहार है, वो भी मेरा नहीं है। सब चीज़ें खत्म हो जाएंगे, दुख है मनोविकार से, दुख है हमारा बनाया, हमारे अज्ञान से, हमारी भ्रांति से, उसे हमें ही मिटाना है, कोई मिटा नहीं सकता है दूसरा। गुरु भी केवल उपदेश करेगा बस, कोई भगवान आकाश में नहीं बैठा है जो आपका दुख दूर कर दे। उसका बस चलता तो ये सांप्रदायिक दंगे होते, मंदिर मस्जिद को लेके लोग जलते हैं, हिंदू मुसलमान को लेके लड़ते हैं, ईसाई यहूदी लड़ते हैं, वो ऊपर बैठा हुआ अगर उसका बल चलता तो ये सब होने देता। अपने बल को पहचानो, अपने को संभालो, मानव को मानव समझो, बंधुत्व का भाव लाओ, मन को निर्मल बनाओ। इस तथ्य को समझ करके जब मन निर्मल होगा तो दुखहीन मन होगा। बस यही स्वर्ग है, आगे भी स्वर्ग है, सब समय स्वर्ग है। पौराणिकों का स्वर्ग तो मलिन भोग है, घृणित है। आध्यात्मिकों का भोग आत्मरति है, आत्मतुष्टि है, आत्मसंतोष है। इस पर ध्यान दें, मनन करें, आचरण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।